देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्भव महासंखम भीमकर्मा बृकोदर। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर पहुंचकर गौ माता जी के दर्शन करते हैं। दर्शन करके माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। स्नान करने के लिए माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पर माता जी की धारा बह रही है। तो इस प्रकार से माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। माता जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। स्नान पूरा करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। यदि आप इस प्रकार से अपने दिनचर्या का आरंभ करेंगे तो सच में आपको जो आनंद मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करके भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, फिर इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने शरीर की सबसे पहले करते हैं स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अपने कंधे की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर इसके बाद पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो व्यायाम करने से पहले हमें अपने संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर मांसपेशियों में खिंचाव आ सकते हैं, जिस कारण से हमें एक असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है
और जिस कारण से हमारे दिनचर्या पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद लगाते हैं चक्रासन और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं मयूरासन। मयूरासन के अभ्यास से हमारे जो पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, तो इसलिए हम नित्य मयूरासन का अभ्यास करते हैं। तो स्ट्रेचिंग पूरी करके बढ़ जाते हैं व्यायाम की तरफ। व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर लगाते हैं कुंभक सपाट। कुंभक सपाट में हमें सबसे पहले सांस भरनी होती है, फिर इस प्रकार से अपने हाथ की स्थिति रखकर सपाट लगाने होते हैं। इसके बाद लगाते हैं स्कैपुला पुशअप। तो हर सपाट के बीच में हम थोड़ा सा आराम करते हैं। इसके बाद लगाते हैं हिंदू दंड। इस प्रकार से हिंदू दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो व्यायाम का जो पहला पड़ाव है, इसमें हम लोग अंत में अपने शरीर को इस प्रकार से संतुलित करते हैं और इसी में लगाते हैं कुछ सपाट। तो अलग अलग तरीके से अपने शरीर को संतुलित करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यायाम का पहला पड़ाव है यहाँ पूरा करते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले पड़ाव पर। इस पड़ाव में हम लोग जितने भी सपाट लगाएंगे डायमंड शेप में ही लगाएंगे। तो पहला ये जो सपाट है ये हमारे कमर के लिए है, फिर उसके बाद इसी सपाट को हम एक हाथ से लगाएंगे। इस सपाट से हमारे कंधे भी मजबूत होते हैं, हमारी कमर भी मजबूत होती है, हमारे फोरआर्म भी मजबूत होते हैं, हमारी कलाइयाँ भी मजबूत होती हैं। इसीलिए हमें इस सपाट का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अब इसके बाद डायमंड शेप बनाएंगे और इसमें लगाएंगे हिंदू सपाट। बस हमें नित्य अभ्यास करना है। जब हम नित्य अभ्यास करेंगे तो यह शरीर किसी ना किसी कार्य में लग जाएगी। यदि आप सही दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे, अपने शरीर को सही कार्यों में नहीं लगाएंगे, तो यह शरीर जो भी इसे कार्य दिखेंगे उसमें लिप्त हो जाएगी। और आज के समय में हमारे चारों तरफ लगभग बुराइयां ही हैं, तो इसलिए यदि हम अपने जीवन को, अपने शरीर को और अपने मन को सही कार्यों में नहीं लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है हम गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए सही समय पर उठिए और सही कार्यों में लग जाइए। तो इस प्रकार से मुष्टिका सपाट लगाने के बाद लगाते हैं उंगली के ऊपर सपाट। फिर करते हैं थोड़ा सा आराम। तो हमारे सपाट का दूसरा चरण भी पूर्ण हुआ। तीसरे चरण में पहुंचकर लगाते हैं क्लैपिंग पुशअप। क्लैपिंग पुशअप लगाने से हमारे शरीर में बल बढ़ता है, कंधे में मजबूती आती है। फिर इसके बाद लगाते हैं डबल क्लैपिंग पुशअप। डबल क्लैपिंग पुशअप पूरा करके
थोड़ा सा आराम करते हैं, इसके बाद लगाते हैं 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड लगाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दंड पूरा करके आगे बढ़कर लगाते हैं श्री हनुमान जी दंड। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करके थोड़ा सा आराम करते हैं। इसके बाद लगाते हैं दंड बैठक। दंड बैठक पूरा करके हम लोग केकड़ा की चाल चलेंगे। इस प्रकार से आज का व्यायाम, यहाँ का व्यायाम पूरा होता है। आगे बढ़कर हम लोग खेलते हैं खेल में कबड्डी। खेल खेलने से हमारे अंदर प्रसन्नता आती है, तो इसलिए हमें खेल खेलने चाहिए। तो इस प्रकार से खेल पूरा करके हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर करते हैं चर्चा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 15 कुछ इस प्रकार से है। पांचजन्यम हृषीकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्भव महासंखम भीमकर्मा बृकोदर। श्री कृष्ण महाराज जी ने पांचजन्य नामक शंख बजाए, अर्जुन जी ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलह सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने
अनंत विजय नामक शंख बजाएं और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाएं। तो इस प्रकार से आज का श्लोक यहीं पर समाप्त होता है, कल इसके आगे बात करेंगे। धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ का सब कुछ पूरा करके हम लोग निकल जाते हैं गंगा मैया जी की सफाई करने के लिए। यह गंगा मैया स्वच्छता अभियान तब तक चलेगा जब तक हमारे इस शरीर में प्राण रहेंगे। चलिए आपको मेरे साथ मिलकर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय गंगा मैया। आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।